स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किए जाने की मांग को लेकर फार्मासिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फार्मासिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन कमिश्नर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया। संगठन के सदस्यों का कहना है कि इन दिनों स्वास्थ्य विभाग में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कारण अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत है। मरीजों को दवा बाजार से खरीदना पड़ रहा है। बाजार में दवा महंगी होने के कारण मरीज दवा खरीदने से वंचित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, शहर में तमाम ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जिनके पास विभाग की तरफ से कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। इसके बावजूद ऐसे मेडिकल स्टोर लोगों से दवा के नाम पर धन उगाही कर रहे हैं। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संगठन के प्रदेश प्रवक्ता रजत राय ने कहा, कहाँ वाले में, यहाँ वाले में की मांग है। यह है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 अगस्त तक सारे मेडिकल स्टोरों को आधार से लिंक कर लिया जाए, जिसके लिए हम लोग इससे पहले डीएम साहब से भी मिले थे। तो डीएम साहब का ये आदेश था कि ये कोर्ट का आदेश है, ये सरकार का आदेश नहीं है। उसके बाद सरकार ने भी आदेश किया, जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ यूपी एस मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने इसके सापेक्ष में एक सर्कुलर दिया, जिसको लेकर के हम लोग इससे पहले भी डीएलए साहब से वार्ता कर चुके हैं, लेकिन इस पर अभी कुछ होता दिख नहीं रहा है। इसी को लेकर के आज हम लोग एक ज्ञापन और एक सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया है गोरखपुर में। जो डीएलए साहब हैं, ये चूँकि आए हुए हैं फैजाबाद से, जो इनकी नीतियाँ हैं वो बहुत ही दमनकारी हैं, और ये हमेशा फार्मासिस्टों के अहित में काम किए हैं, जबकि वो भी एक फार्मासिस्ट हैं, हम लोग भी फार्मासिस्ट हैं। लेकिन वो कहाँ तैनात हैं जी? मैं यहीं गोरखपुर में मेरी पोस्टिंग है जी, और बेरोजगार भी है, और लगभग इसमें बेरोजगार फार्मासिस्ट हैं। हम लोग की जो मांग है वो कोई अवैध नहीं है। जब एक रिक्शा चलाने के लिए नगर निगम में उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, दारू की दुकान को चलाने के लिए उसका लाइसेंस चाहिए, एक ड्राइविंग मोटरसाइकिल चलाने के लिए उसका लाइसेंस चाहिए, लेकिन मेडिकल स्टोर चलाने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। और यहाँ के जितने जो दवाओं के दवा कारोबार के माफिया हैं, वो मुख्यमंत्री जी के शहर में रहते हुए अवैध कारोबार कर रहे हैं। आपको पता है कि गोरखपुर का जो क्षेत्र है वो सीमावर्ती लगता है, क्या बोलते हैं यहाँ से, नेपाल से, और इतना बड़ा रैकेट चल रहा है अवैध क्या बोलते हैं दवाओं का, लेकिन उसको लेकर के ना डीएलए साहब गंभीर है, ना डीआई साहब गंभीर है। और इनकी नीतियाँ, ये फैजाबाद से आए हैं, वहाँ पे भी इनकी जो नीतियाँ थी वो दमनकारी थी। क्या प्रमुख मांग? मुख्य मांग हमारी ये है कि पहले जिले में जितने अवैध मेडिकल स्टोर चल रहे हैं उनको बंद किया जाए, और जो क्या बोलते हैं कोर्ट ने आदेश दिया था उसको ये तुरंत लागू करें। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले 170 मेडिकल स्टोर क्या बोलते हैं इन्होंने अवैध घोषित किया था। आपने अवैध घोषित कर दिया, लेकिन उस पर तालाबंदी तो नहीं हुई। तालाबंदी कब होगी?